बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि एलिलोपैथी क्या है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा चीज़ें हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में डिस्कस की थी, इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपको LMS पे मिल जाएंगे और इसका जो रिकॉर्डिंग है वो भी उस LMS पे आपको अवेलेबल होगी। और आज इस लेक्चर के एंड के ऊपर मैंने थोड़ा सा आपसे स्क्रीन शेयर करूंगा और देखेंगे कि क्लास पार्टिसिपेशन कैसी है आप लोगों की। तो सबसे पहले अगर हम बात करते चलें कि ये जो एलिलोपैथी है, इन क्रॉप प्रोडक्शन, इस यानी कि इसकी जरूरत क्यों पेश आई और व्हाई वी यूज इट फॉर वीट कंट्रोल या वीट मैनेजमेंट के तौर पे हम इसको क्यों यूज करते हैं, कुछ चीजों का आपको पता होना चाहिए कि थोड़ा सा, यानी कि हम आज तो बेसिकली देखेंगे कि एलिलोपैथी क्या है और ये कैसे इसकी यानी कि टर्मिनोलॉजी वजूद में आई, और क्या थोड़ा सा आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि दुनिया के अंदर जितने भी एग्रोकेमिकल्स यूज होते हैं उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला एग्रोकेमिकल हर्बिसाइड्स है। हर साल तकरीबन $76 बिलियन की जो है हर्बिसाइड वर्ल्ड वाइड यूज होती है। और थोड़ा सा ये आपको बताता चलूं कि जो यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिसमें आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वहाँ फिर भी हर्बिसाइड का इस्तेमाल कम है, क्योंकि लोगों को जो जड़ी बूटियों के नुकसान का इल्म ही नहीं, क्योंकि जो हमारी जो वीड्स होती हैं बेटे, ये साइलेंट किलर्स हैं। ठीक है, ये ना सिर्फ क्रॉप की यील्ड को अफेक्ट कर रही होती हैं बल्कि हमारे जो प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी को खराब कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन की क्रॉप है, उसके ऊपर व्हाइट फ्लाई का अटैक आया है या आर्मी वर्म का अटैक आया, किसान को नजर आएगा भाई ये सुंडी का कंट्रोल ना किया तो ये तो पत्ते खा जाएगी सारे, तो या ये इसका सैप प्लांट का सक कर लेगी, मुझे यील्ड नहीं मिलेगी, तो वो क्या करता है, फौरन उसका कंट्रोल मेजर करता है। मगर जो वीड होती है वो फार्मर भी ये देख रहा होता है कि यार ये भी ऐसा एक पौधा है और ये दूसरे प्लांट्स के साथ स्टैंड बाई है, तो इसका क्या इशू है, ये तो चल को कल क्लां को हम एज अ फॉडर, एनिमल फॉडर, चारे के तौर पे भी लोग यूज करते हैं, एग्रो ग्रेजिंग की टर्म यूज की जाती है। मगर वो अल्टीमेटली वो वीड कर क्या रही होती है, वो ना सिर्फ कम्पीट कर रही होती है बल्कि हमारी क्रॉप के साथ यानी कि उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर रही होती है बेटे। दो एक एक टर्मिनोलॉजी होती है, वीड क्रॉप इंटरफेरेंस। एक बार याद रखिएगा, लेक्चर को आपने बड़े गौर से सुनना है, इसके अंदर कोई चीज आपको जो समझ नहीं आती वो आपने डिस्कस करनी है। एक होता है क्रॉप, वीड क्रॉप इंटरफेरेंस। वीड क्रॉप इंटरफेरेंस क्या है, जिशान आप अपना माइक म्यूट करें बेटे। वीड क्रॉप इंटरफेरेंस क्या है, इंटरफेरेंस कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। इंटरफेरेंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है कंपिटिशन और एक होता है आपका एलिलोपैथी। ठीक है, कंपटीशन क्या है कि वो जो आपके जो रिसोर्सेज हैं, आप जो ऑलवेज आप स्केयर होते हैं, जैसे लाइट है, सॉइल फर्टिलिटी है, ये मॉइस्चर है, ये जितने भी प्लांट को रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए कंपटीशन की टर्म यूज की जाती है। दुनिया में सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट है, तो वीड्स कम्पीट करती हैं प्लांट के साथ फॉर स्पेस, फॉर लाइट, फॉर ऑक्सीजन, फॉर एवरीथिंग। इसके साथ साथ क्या करती हैं कि वीड्स नेबरिंग अपनी यानी जो हमारी क्रॉप है उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती हैं बाय रिलीजिंग सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करते हैं, क्रॉप की रिस्पिरेटरी रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, सीड जनरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं, वो क्रॉप का मिनरल अपटेक को अफेक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली हमारी जो क्रॉप की जो ग्रोथ है वो सप्रेस हो जाएगी। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बेटे, अब ये देखिए माँ, आई थिंक 42 की आपकी स्ट्रेंथ है, 22 स्टूडेंट या 20 स्टूडेंट तो हमारी क्लास होनी चाहिए, मगर फिल वक्त अभी सिर्फ 11 स्टूडेंट्स हैं। तो काइंडली क्लासेस बेटे अपनी रेगुलरली अटेंड करें और जो इसमें जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो अपने क्लियर करें। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि एलिलोपैथी, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा बहुत इसका यानी इंट्रोडक्टरी हमें लेक्चर देखा था, उसमें भी यही था कि एलिलोपैथी आपसे कोई पूछता है तो एलिलोपैथी बेसिकली इज अ बायोकेमिकल इंट्रेक्शन। ठीक है, बायोकेमिकल इंट्रेक्शन है जिसमें होता क्या है कि एक प्लांट दूसरे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और वो जो अफेक्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्टार्ट्स में अभी एलिलोपैथी हिस्ट्री भी हम लोग देखेंगे, जो साइंटिस्ट से यानी कि
बिफोर क्राइस्ट जिन्होंने एलिलोपैथी को रिपोर्ट किया, या इन लास्ट 3 to 4 centuries बिफोर, तो उन्होंने इसको इनहिबिटरी इफेक्ट में ही लेके गए थे कि यार इसका इनहिबिटरी इफेक्ट है। मगर देखा जाए तो जो आपके एलिलोपैथी है इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं, बाजू का ये ग्रोथ को प्रमोट भी करती है। तो बेसिकली एलिलोपैथी रेफर टू ऑल बायोकेमिकल इंट्रेक्शन जो स्टिमुलेटरी भी हो सकते हैं और इनहिबिटरी भी हो सकते हैं, ठीक है, अमंग प्लांट इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है, डिटर्मिनेंटल इफेक्ट ऑफ केमिकल आर रूट एग्रीगेट्स प्रोड्यूस्ड बाय वन लिविंग प्लांट स्पीशीज ऑन जर्मिनेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्लांट शेयरिंग सेम हैबिटेट। यानी कि एक हैबिटेट में शेयर जब प्लांट रहते हैं तो एक प्लांट दूसरी ग्रोथ को, दूसरे की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। ये डिफरेंट मैकेनिज्म है एलिलोपैथी एलिलोकेमिकल्स के लिब्रेशन के। उसमें रूट एग्रीगेशन हम पढ़ेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, वोलेटिलाइजेशन देखेंगे, डिकम्पोजिशन देखेंगे, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम लोग बेटे कवर करेंगे। तो बेसिकली जो टर्म एलिलोपैथी है वो रेफर करती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनहिबिटरी इफेक्ट बाय प्रोडक्शन ऑफ केमिकल बाय प्लांट व्हिच कैन इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अनदर प्लांट। ये डेफिनेशन दी थी राइस ने, राइस 1947 की। इसका वीट साइंस पे साइंटिस्ट का बहुत काम है, प्रॉपर काफी बुक्स हैं। फॉर वीड मैनेजमेंट वी आर इंटरेस्टेड इन इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट द वीड और वीड्स बाय अदर। मैं आपको एक बात बता दूं, जो एलिलो केमिकल्स हैं ये हमारी ग्रामिनी जो फैमिली की क्रॉप्स हैं ये एलिलो केमिकल्स रिलीज करती हैं। इसके साथ साथ बेटे हमारी ये जो है सनफ्लावर का एलिलोपैथिक पोटेंशियल है, स्वार्गम के अंदर स्वार्गोलियान होता है, इसका एलिलोपैथिक पोटेंशियल है। आप लोग कभी देखें, कभी नोट किए कि सफेदे के दरख्त के नीचे कोई चीज नहीं उगती, ग्रासी प्लाट है तो वहां घास तक भी नहीं उगता। क्यों? क्योंकि सफेदे के जो पत्ते हैं इनके अंदर एलिलोकेमिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं कि नीचे अंडरलाइंग वेजिटेशन कंट्रोल करते हैं। मैं आपको शायद पहले भी बताया था, आजकल जो साइंस में जो प्लांट ब्रीडिंग में जो काम हो रहा है वह ऐसी वैरायटीज की डेवलपमेंट पे काम हो रहा है जिनका एलिलोपैथिक पोटेंशियल हाई हो, कि वो क्रॉप खुद ही अपनी नेबरिंग जो स्पीशीज है, प्लांट स्पीशीज है, जो वीड्स हैं उसको मैनेज कर ले, उसको कंट्रोल कर ले। तो वीड मैनेजमेंट के लिए वी आर इंटरेस्टेड इन इनहिबिशन ऑफ वन प्लांट द वीड बाय अनदर प्लांट थ्रू प्रोडक्शन ऑफ एलिलोकेमिकल्स। तो यानी कि बेसिकली जो अब जो साइंटिस्ट, पहले तो ये था कि हाईजीनिक वराइटीज की ब्रीडिंग करते थे, अब क्या है, अब ये है कि हाई यील्ड भी हो और उसका एलिलोपैथिक पोटेंशियल भी हाई हो, ताकि हमारी वो वराइटी जड़ी बूटियों से अच्छे तरीके से कम्पीट कर सके और हमें बुरे हालात में भी अच्छी औसत दे सके। ठीक है, बेसिकली आपको पता है कि जो वीड्स हैं ये बहुत ज्यादा अडॉप्टिव हैं, ठीक है, और हर हवाले से बहुत अडॉप्टिव हैं और क्रॉप से बहुत यानी कि सीवियर अंदाज से कम्पीट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट अपटेक, मिनरल अपटेक, प्रोपर्सली अपना सीड प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था बेसिकली जो अब थोड़ा सा हम यानी कि चलते हैं आगे बेटे, जो वीड्स है ना बहुत ज्यादा अडॉप्टिव है। कैसे अडॉप्टिव है, आप ये देखें, हम की रोड साइड्स पे जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बिल्कुल खुश्क साली है, कोई पानी की अवेलेबिलिटी नहीं, जड़ी बूटियां वहां भी ग्रो कर रहे, वाटर चैनल्स पे भी ग्रो कर रही, क्रॉप के अंदर भी ग्रो कर रही, और एक एक पौधा 30,000 तक सीड बना देता है। दीज आर द रीजंस के बिहाइंड हमें वीड्स को कंट्रोल करना। तो बेसिकली अगर हम एलिलोपैथी को देखें तो जो एलिलोपैथी का वर्ड है ये लैटिन वर्ड है, ठीक है, एलिलोन मीन ईच अदर एंड पैथोस मीन टू सफर। यानी कि बेसिकली क्या है, टू सफर ईच अदर, यार इट इज बेसिकली रेफर टू एज अ केमिकल इनहिबिशन ऑफ वन स्पीशी बाय अनदर स्पीशी। द सोर्स ऑफ एलिलोकेमिकल्स इन एग्रीकल्चरल फील्ड, ये वीड्स भी हो सकती हैं, क्रॉप्स भी हो सकती हैं, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी एलिलोकेमिकल रिलीज करते हैं। एलिलोकेमिकल्स बेटे स्वार्गम जैसे स्वार्गोलियान रिलीज करता है, ये जो हमारे ये एकेशिया निलोटिका, ये कीकर वगैरह हैं, ये टर्पिनॉइड्स रिलीज करते हैं,
कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जो फेरुलिक एसिड से, कॉर्न है वो फेरुलिक एसिड रिलीज करती है, और ये जो हमारी है क्या नाम लेते हैं सॉर्गम है, इसमें क्यूमेरिक एसिड होता है। तो ये चीजें आप आगे कमिंग क्लासेस में देखेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट साइंटिस्ट ने एलियोपैथी के ऊपर काम किया, उसमें डेमोक्रेटस 500 BC इसने कहा कि कुछ ऐसा है कि कुछ प्लांट दूसरे प्लांट्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं, और ये इसने भी इनहिबिटरी इफेक्ट को कहा। फिर डी कोंडल ने 1832 के अंदर ये इसको एक कहा कि यार ये कोई एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें कुछ पौधे दूसरे पौधों की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दी वालनट की, कि यार वालनट के दरख्त के नीचे कोई और पौधा नहीं ग्रो करता, और हाँ बिटेक से हाँ अच्छा। इसी तरह फिर जो डिकोंडल है उसने यानी कि कहा कि ऐसा इंट्रेक्शन है कि जो वालनट के प्लांट्स हैं इनके नीचे दूसरी कोई भी वेजिटेशन ग्रो नहीं करती। उसने क्लेम किया कि भाई इसके लीव्स के अंदर से ऐसा कोई बायोकेमिकल यानी कि स्कैनिमेटाबोलाइट्स रिलीज होते हैं जो बाकी जो प्लांट स्पीशीज हैं उनकी ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। फिर मोलिश ने 1937 में फर्स्ट टाइम उसने यानी कि टर्म इंट्रोड्यूस की थी एलिलोपैथी, ठीक हो गया। फिर 1974 में राइस ने फिर से कहा था कि ये पॉजिटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव इंटरेक्शन भी हो सकता है, नहीं तो इससे पहले सब यही था कि दैट इंक्लूड ओनली द नेगेटिव इंटरेक्शन, के हमेशा ग्रोथ सप्रेस ही होगी। मगर राइस ने फिर जो डिफाइन किया एलिलोपैथी को, उसने कहा इसमें ग्रोथ प्रमोशन भी हो सकती है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जो लोग जिनका कोई थोड़ा सा फार्मिंग बैकग्राउंड है, आप सॉर्गम को देखिए, नो डाउट सॉर्गम के अंदर सॉर्गोलियन है, सॉर्गम जहाँ लगती है वहाँ वीड्स या नीमाटोड्स की ग्रोथ भी कम हो जाती है। इस पर तो खैर बाद में बात करेंगे, मगर सॉर्गम के अंदर एक जड़ी बूटी छिप्पड़, वो सॉर्गम में इतना ज्यादा होता है, हालांकि अगर हम उस जमीन पे जहाँ हम सॉर्गम लगाते हैं, चरी लगाते हैं, वहाँ मिलेट्स लगा लें, छिप्पड़ नहीं होता, उतना प्रोफ्यूजली ग्रो नहीं करता बल्कि सप्रेस हो जाते हैं, मिलेट्स से सप्रेस कर देते हैं, मगर सॉर्गम फसल में यानी वाइल कोकोबेट्स जिसे हम चिपट कहते हैं बहुत ज्यादा होते हैं। मीनिंग क्या है कि वहाँ सॉर्गम जो है वो वाइल कोकोबेट्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। अच्छा जी, अब कौन सी ऐसी हमारी क्रॉप्स हैं जिनके एलियोपैथिक पोटेंशियल है? मैनी क्रॉप्स यानी कि इसमें लूसन, लूसन में बेटे ऑटो एलियोपैथी होती है, बहुत ज्यादा ये अपनी क्रॉप को अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने लूसन की नई फसल काश करते हैं अक्टूबर के महीने में, हमने उस जमीन में पहले भी लूसन काश किया हुआ होता, मिसाल दे रहा हूँ, एक ऐसी जमीन है जहाँ हमने लूसन काश किया होता, अब उसे खत्म की फसल को हमने खत्म कर दिया, हलचल चला दी, और हम यानी कि अगले महीने उसमें लूसन काश करेंगे, तो वहाँ लूसन की जो सीड जर्मिनेशन इफेक्ट होगी ड्यू टू एलिलो केमिकल रिलीज बाय लूसन क्रॉप, ठीक है। इसी ऑटो एलिलोपैथी बाज़ औक़ात कहा जाता है कि सेम क्रॉप की स्टबल उसी क्रॉप की जो कि जर्मिनेशन है उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करें। मेनी क्रॉप्स हैव रिपोर्टेड एज शोइंग एलिलोपैथिक प्रॉपर्टीज एट वन टाइम और अनदर, सम क्रॉप्स सच एज जैसे हमारी ओट्स सीम टू क्लीन फील्ड ऑफ वीड्स बेटर देन अदर, जिस तरह जई है वो अपनी नेबरिंग पॉपुलेशन कंट्रोल करते थ्रू रिलीज ऑफ एलिलो केमिकल, जिस तरह राइस है, सॉर्गम है, बकवीट है, रेड क्लोवर है, स्वीट क्लोवर है, सिंजी कहा जाता है, बार्ले है, जो जिसे हम कहते हैं वीट है, ट्राइफलिंग, ये डिफरेंट जो क्रॉप्स हैं इनको अगर हम ग्रो करते हैं इनका एलिलोपैथिक पोटेंशियल है। बाज़ औक़ात गंदम की फसल के अंदर सॉर्गम और वाटर एक्सट्रैक्ट यूज करके वीड्स को मैनेज किया जाता है। बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने एक प्रोडक्ट भी एलिलोपैथी के वाले सुरगाप बनाया था सॉर्गम से,
तो वो काफी अफेक्टिव था इन मैनेजिंग वीट्स ऑफ वीट क्रॉप। ठीक है, तो आज के हवाले से यानी के और यानी के जो डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं उसमें वैरायटीज टू वैरायटी एलोपैथिक प्रोटीन डिफरेंट होता हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ब्रीडर इसी बात पे काम करें कि ऐसी वैरायटीज इवॉल्व की जाए जिनका एलोपैथिक पोटेंशियल हाई हो। देयर कैन बी डील ऑफ डिफरेंस इन स्ट्रेंथ ऑफ एलोपैथिक इफेक्ट्स बिटवीन डिफरेंट क्रॉप वैरायटीज। इसमें स्पेसिफिकिटी क्या है, अ क्रॉप व्हिच इज स्ट्रांगली एलोपैथिक अगेंस्ट वन वीड मे शो लिटिल और नो अफेक्ट अगेंस्ट अदर वीड। एक क्रॉप एक वीड के लिए यानी कि मिसाल के तौर पर सॉर्गम है, उसके जो एलिफेमिकल है कुछ जड़ी-बूटियां कंट्रोल करेंगे मगर वो तमाम जड़ी-बूटियां कंट्रोल नहीं करेंगे। जैसे हमारे हर्बिसाइड्स ऐसे ना नैरो लीव हर्बिसाइड्स, जितने भी नुकीले वाले हम वो जड़ी बूटी मार स्प्रे करेंगे सारे नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां मर जाएंगी। या ब्रॉड लीव हर्बिसाइड है चौड़े पत्ते वाली, वो चौड़े पत्ते वाले हर्बिसाइड स्प्रे करेंगे सारे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां मर जाएंगी। या ब्रॉड स्पेक्ट्रम है वो स्प्रे करेंगे चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटी में खत्म हो जाएंगी नुकीले पत्ते वाली खत्म हो जाएंगी। जैसे पोमा सुपर नुकीले पत्ते वाली जड़ी बूटियां खत्म करती है गंदम के अंदर, पक्टरल है चौड़े पत्ते वाली, मगर एटलांटस है ये ट्रॉपिक है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये दोनों वीड्स कंट्रोल करती हैं। तो बेटे आज के हवाले से इतना है, इस हवाले से जो कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई जो चीज समझ नहीं आई वो आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटे। सर वो आपने एक शुरू में टर्म इस्तेमाल की थी वो बता दें कि जो वीड्स हैं वो फॉरेज के लिए जो इस्तेमाल करते हैं फार्मा कहता है ये ऐसे रहे फॉरेज के लिए, मैं इसे फोडर के जी लिए जी इस्तेमाल कर लूंगा, तो वो क्या हाँ टर्म आपने बताई थी एग्रो ग्रेजिंग, सर? समय ठीक सर, एग्रो ग्रेजिंग। एग्रो ग्रेजिंग ये है कि हम हमारी जो क्रॉप्स होती हैं उनके अंदर जो वीड्स ग्रो ही होती हैं तो उनको यानी कि क्रॉप को कुछ ना कहना, जो वीड्स को इकट्ठा करके जानवरों को कंज्यूम करवा देना। मगर इस कोर्स के अंदर भी मैं यानी कि आपको यानी कि एक हम इंशाल्लाह इस टॉपिक को भी लाजमी कवर करेंगे कि ये जो डिफरेंट किस्म की बेटे हमारी वो है ना क्या नाम लेते हैं वीड्स हैं उनके बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं लाइफ स्टॉक के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर जानवर इटसिट ज्यादा कंज्यूम कर ले तो उसे नाइट्रेट पॉइजनिंग हो जाती है, यंग फिस्टस अबॉर्शन हो जाता है। इस तरह अगर भेड़ बकरियां अगर पार्थिनियम को बड़ा जानवर या भेड़ बकरियां खा ले उनके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, पिंपल्स बन जाते हैं मुंह के अंदर। और इसी तरह अगर मको सोलनम निग्रम ये भेड़ बकरियों से चल ले तो उन्हें वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह हर हर वीड्स का कोई ना कोई नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनिमल हेल्थ के ऊपर ना। तो जब भी ये वीड्स कंज्यूम करवानी है एक्सेसिव अमाउंट में अगर वो कंज्यूम करेंगे तो उन्हें किसी किस्म की पॉइजनिंग हो सकती है जानवरों को। हाँ जी बेटे, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ना आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटे? यस सर। हाँ मैं थोड़ा सा टेंडिस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। आज क्लास में मोहम्मद अदनान एब्सेंट है। अदनान है क्लास में? मोहम्मद फैसल, रेहान जमील, मलिक उसामा। अच्छा बेटे मलिक उसामा इधर तो आया हुआ है, जूम पे हो मलिक उसामा? उसामा मैं सुन रहे हो? अच्छा जी आपकी इस क्लास का सीआर कौन होगा? निजाम तो मेरे ख्याल में नहीं है इस कोर्स में शायद। हाँ जी बेटे आपकी इस क्लास का सीआर कौन होगा, कौन वॉलंटियर है? ओए जवानों शाम सुन गए सबको। फैसल
यस सर, बेटे आपने वो फिर सीआर के फ्राइज से निभानी है क्लास में, ठीक है। और जो क्लास में स्टूडेंट नहीं आ रहे इनको जरा मैसेज करना है कि क्लास में रेगुलर आया करें। ठीक सर। उधर अटेंडेंस 17 की लगी हुई है और इधर 12 लोग हैं फिलहाल। किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं बेटे। चलिए ठीक है बेटे, अपना खूब ख्याल रखिएगा। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।